डोंगरगढ़ क्षेत्र को केंद्र व राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है। इस मायने से शहर का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है। बाईपास निर्माण का कार्य शुरू न होने का कारण बताया जा रहा है। बाईपास निर्माण की लागत से ज्यादा मुआवजा बांटना पड़ेगा, इससे दिक्कत होगी। बाईपास के लिए प्रपोजल पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था। निर्माण से ज्यादा मुआवजे के प्रकरण बनने से राज्य सरकार द्वारा भेजे गए बाईपास निर्माण के प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया गया। शहर में बढ़ते हैवी ट्रैफिक के दबाव को कम करने और भारी वाहनों की आवाजाही शहरी सीमा से बाहर करने के लिए चौथना भर्री टोला होकर कलकसा तक बाईपास बनाने का प्रपोजल भेजा गया था। धार्मिक नगरी होने से दर्शनार्थियों की आवाजाही साल भर यहां बनी रहती है। 24 घंटे भारी वाहन आबादी वाले एरिया में दौड़ रहे हैं। बाईपास नहीं होने से सैकड़ों लोगों की जान सिर्फ दुर्घटनाओं में चली गई। इसके बाद भी यहां के जनप्रतिनिधियों में इस प्रपोजल को लेकर किसी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखाई दे रही और हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। माँ बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति ने भी सहमति देते हुए बाईपास बनाने का प्रपोजल भेजा, लेकिन प्रस्तावित बाईपास एरिया में सबसे अधिक निजी भूमि प्रभावित होगी, जिन्हें कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा देना होगा, जबकि बाईपास निर्माण की लागत मुआवजे से कम आएगी। इसलिए इस प्रपोजल पर सरकार राजी नहीं हुई और बाईपास निर्माण की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बाईपास रोड का जो प्रथम स्तरीय प्राधिकरण शासन को भेजा गया है वो है 17/10/2014 को 21,44,98 लाख है ना। और इसमें जो है बजट में शामिल करने के लिए 7/1/2015 को शासन को भेजा गया है। शासन द्वारा स्वीकृति हुई थी बाईपास कलकत्ता से लेकर चौथरा तक, लेकिन कुछ कारण से उसको रद्द कर दिया गया, जबकि यहाँ की जनता के लिए बाईपास बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमेशा यहाँ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और हमेशा दुर्घटना होता ही रहता है।